हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो यहाँ पर नेवी ऑफिशियल बिग अपडेट यहाँ पर यही निकल के आ रही है और ज़्यादातर बच्चों के कमेंट मैंने देखने को मिल रहे थे कि इंडियन नेवी एमआर की जो फाइनल लिस्ट है वो आने वाली है, उसके साथ ही क्या नेवी SSR एमआर का जो एग्ज़ाम रिजल्ट है वो नेवी के मेरिट लिस्ट से एक दो दिन पहले आएगा या एक दो दिन बाद में आएगा या एक हफ्ते बाद आएगा या कब आएगा। मार्च में आएगा, फर्स्ट वीक में। तो यहाँ पर इस डाउट को क्लियर करेंगे कि नेवी एमआर का जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी लगभग 21 फरवरी को आ रही है, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका क्या नेवी एमआर की मेरिट लिस्ट के पहले या बाद में आएगा नेवी SSR का एग्ज़ाम रिजल्ट, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ली गई है, इस इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह समझना है और जो इंडियन नेवी एमआर की फाइनल लिस्ट है उसकी कट ऑफ जानना चाहते हैं तो वो भी इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले डिस्कशन में नेवी एमआर मेरिट लिस्ट एंड स्टेट वाइज फाइनल कट ऑफ के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा डिस्कस करेंगे नेवी SSR रिजल्ट डेट कंफर्म 100%, ठीक है, कि 100% कंफर्म लगभग हो चुकी है और कब आएगा आपका रिजल्ट डेट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नेवी एमआर के जो रिजल्ट है वो कब आएगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट कम देन नेवी SSR रिजल्ट ऑल स्टूडेंट्स फाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले आज तक आपने देखा है कि यदि आपका रिजल्ट पास में है और उसके साथ ही आपके पास में कोई भी मेरिट लिस्ट SSR की हो या MR की हो, INET कोई भी बड़े एग्जाम के, तो सबसे पहले नेवी क्या करती है कि उसका जो मेरिट लिस्ट है वो प्रोवाइडेड करती है, उसके बाद आपका एग्जाम रिजल्ट प्रोवाइडेड करती है, ठीक है। तो लगभग आपको 21 फरवरी को आपकी क्या मिल जाएगी, आपकी मेरिट लिस्ट है वो प्रोवाइडेड हो जाएगी, ठीक है। अब ये मेरिट लिस्ट या तो शाम को 5 बजे तक प्रोवाइडेड होगी या रात को 11 बजे तक कभी भी प्रोवाइडेड हो सकती है। यदि सुबह 10 या 11 बजे प्रोवाइडेड होती है तो शाम के आपके चांस बन जाते हैं 21 तारीख को शाम को 5 बजे तक आपका रिजल्ट अपलोड होने के लिए नेवी SSR का, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 22 से लगभग 25 फरवरी तक आपका कन्फर्म हो सकता है कि आपका नेवी SSR का रिजल्ट आपका आ जाए, ठीक है। तो लगभग मेरिट लिस्ट 21 को आएगी, इसके बाद आपका कार्य जारी रहेगा और 22 से 25 तक आपको या तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी या आपका रिजल्ट आपका डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। तो ये था, तो सबसे पहले आपकी मेरिट लिस्ट आती है, इसके बाद आपका रिजल्ट प्रोवाइडेड होता है कोई भी रिटर्न एग्जाम का, ठीक है। तो 100 SSR रिजल्ट डेट आपकी 21 से 25 फरवरी तक रहेगी, ठीक है। अब देख लेते हैं नेवी एमआर की जो ऑल स्टेट वाइज जो कट ऑफ जाएगी फाइनल मेरिट लिस्ट की वो क्या जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं और यहाँ पर हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपके अनुसार नेवी फाइनल लिस्ट क्या जाएगी और आपके सर रिजल्ट डेट क्या रहेगी नेवी SSR की, ठीक है। और मेडिकल से संबंधित यदि आप वीडियो चाहते हैं तो आपको पूरा एक प्रोसीजर नेवी SSR MR की मेडिकल से संबंधित पूरा प्रोसीजर वो प्रोवाइडेड किया जाएगा, ठीक है। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए कि मेरिट लिस्ट में बात करें तो सबसे ज़्यादा मेरिट लिस्ट 2 स्टेट की इफेक्ट होगी, ठीक है। 2 स्टेट इंपॉर्टेंट है जिसमें से एक हरियाणा एक राजस्थान है। आप कहोगे ये क्यों लिए, आपने देखा होगा कि SSR की जब लिस्ट आई थी तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ा था वो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई थी फाइनल लिस्ट की, ठीक है। राजस्थान की बात करूँ तो कितनी थी, लगभग 54 थी, 54 से 64 गई थी, लेकिन 10 नंबर की इंक्रीज़ हुई थी, लेकिन आज तक इतनी इंक्रीज़ नहीं हुई है, ठीक है। लगभग 3 से 4 नंबर की मैक्सिमम या 5 नंबर की इंक्रीज़ हुई है, इतनी ज़्यादा नंबर की इंक्रीज़ नहीं हुई है। तो यहाँ पर हरियाणा और राजस्थान की कट ऑफ की बात करें नेवी एमआर की फाइनल की, तो एक्सपेक्टेड जैसे राजस्थान की अब की बार 33 गई है रिटर्न की, देन फाइनल कट ऑफ प्लस मार्क यानी कि 5 नंबर तो मिनिमम इंक्रीज कर ही लीजिए, 38 नंबर तो आपकी जाएगी जाएगी। इसी प्रकार हरियाणा की जितनी उसमें 5 नंबर इंक्रीज कीजिए, लगभग इतनी आपकी जाएगी, ठीक है। तो हरियाणा में 5 नंबर इंक्रीज करने पर आपकी कट ऑफ लगभग इतनी जाएगी। इसके साथ ही देखते हैं अन्य स्टेट की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ, जो इंक्रीज होगी लगभग 2 से 3 नंबर ही इंक्रीज होगी, ठीक है। तो कहीं की लगभग 1 होगी, कहीं की 2 होगी या 3, लगभग 3 तक ही जाएगी, अन्य जो भी स्टेट है उनकी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। तो रीज़न फॉर इंक्रीज हरियाणा और राजस्थान की कट ऑफ, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या कारण है कि राजस्थान की और हरियाणा की जो कट ऑफ है वो इंक्रीज हुई, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं नेवी SSR फाइनल मेरिट लिस्ट। सबसे पहले हमने अनुमान लगाया कि जो फाइनल लिस्ट है नेवी SSR की उसका उसके का आधार पे भी अनुमान लगाया, तो इसके आधार पर देखा कि इसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई थी, तो पहला कारण ये। दूसरा कारण ये है कि सम प्रॉब्लम, जो कि आप समझ चुके होंगे सम प्रॉब्लम, जो कि 80 से 90% रही थी, यानी कि थोड़ा बहुत हैकिंग का चक्कर था, जो कि 80 से 90% या नेवी MR के एग्ज़ाम में भी हरियाणा में लगभग थोड़ी बहुत रही थी, और इसके कारण ये इफेक्ट यहाँ पर आपको मिलेगा।
तो ये सभी कारण थे। आप देख सकते हो कि पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हमने बताया, मेरे हिसाब से आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सभी समझ चुके होंगे कि नेवी एमआर की मेरिट लिस्ट से पहले रिजल्ट आता है या बाद में आता है और कितने दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा। पूरा मैंने डिस्कस किया, पूरा एनालिसिस किया। बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, कंटिन्यू सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।